अहे जगतर नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जी। गुड मॉर्निंग, देखिए ये सुबह साढ़े पाँच बजे ही मुझे आज, वैसे भी पूर्णिमा है, बुधवार भी था तो जो था हमारा जाली, मकड़ी की जाली था, तो बहुत दिन से साफ करूँगी ऐसा था मन किया था एकदम से। मैं जाली को साफ कर रही थी, बहुत दिन हो गया नहीं साफ हुआ था तो आज साफ कर रही थी। थोड़ा बहुत ऐसे बीच बीच में करना भी चाहिए, वीक में एक बार तो करना चाहिए। इस महीने अभी इस टाइम ना बहुत मकड़ी जाल बुन देता है, इसलिए बहुत गंदा होता है, कई धूल वगैरह सब रहता है, बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। इसी वजह से मैं सोची चलो बहुत सारे हो गया तो उसको साफ कर देते हैं। इस महीने बहुत होता है, अभी अभी कितने दिन, सितंबर अक्टूबर तक होता है। मैं बहुत बार ऐसे मतलब देखी हूँ, बहुत बार इस टाइम होता है और सितंबर अक्टूबर तक होता है, उसके बाद ना इतना नहीं होता है, इस टाइम होता है। मैं जब पढ़ाई कर रही थी हाई स्कूल में भी, तो ना हमारा हम स्कूल जाते थे, कैसे जाते थे ना, हम खेत में जाते थे, तो सुबह सुबह जाते थे, तो जो मॉर्निंग क्लास होता है शनिवार के दिन, तो वो जो सब जाली बुन देते हैं ना, वो मुझे याद आता है हमेशा। जब मैं साफ करती हूँ वो मुझे याद आता है, पढ़ाई के टाइम का जो सब याद आता है। इस टाइम बहुत सब जो खेत में धान इधर खेत, दो खेत के बीच में बो देते थे, वो जो मकड़ी जाल बो देते थे, सॉरी बो देते नहीं जाल बुनते थे। तो मैं ये मतलब इस टाइम जब धान होता है ना, उस टाइम वीक में तो मैं एक बार साफ करती हूँ, और दूसरे जो राखी पूर्णिमा, हैप्पी राखी पूर्णिमा, एवरी वन वेलकम बैक माय चैनल लिली कृपा। और आप लोग कैसे, आप लोग बहुत अच्छे होंगे भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से, हम भी अच्छे हैं, हमारे फैमिली भी सब अच्छे हैं, चकाचक हैं। हैप्पी राखी पूर्णिमा। चलिए मैं पूजा करती हूँ, पूजा के बाद फिर मिलूँगी आप सबसे। और आज देखती हूँ खीर बनाऊँगी, कल तो लड्डू माँ बना दी थी नारियल के लड्डू, तो आज खीर बनाऊँगी, खीर बना के पूजा करूँगी। ओके चलिए बने रहिए वीडियो पर। तो नहाना धोना भी हो गया था, तो ये मैं जा गई थी जो खीर बनाने के लिए, जो काजू लाने के लिए खीर बना रही हूँ प्रेशर कुकर में ही, मार्केट भेजी थी और खीर बना कुकर में ना चावल दे दी थी सिझाने के लिए, क्विकली बनाने के लिए। तो देखिए सिझा दी हूँ कुकर में, खीर बनाने के लिए तैयार कर रही हूँ, चलिए भोग लगाने के लिए। और आज कैसे खीर बनाई आप लोग देख लीजिए। सुबह का टाइम तो जो पोछा वगैरह सब काम वाली कर दी थी, बर्तन सब पोछा कर दी थी, और उसके बाद मैं नहा लिया था, नहा कर पूजा करी, पूजा करने के बाद ये दूसरे भोग भी लगाई थी और ये खीर भी। उसके बाद मैं सोची पहले खीर बना लेती हूँ, खीर के बाद जो काम करना है करूँगी। तो इधर तो हो गया था, चावल सीझ गया था एकदम से पेस्ट जैसा हो गया था, और उधर जो मैं कढ़ाई में काजू को फ्राई कर रही थी, फ्राई करके रख रही थी, और उधर में ही दूध को बॉयल होने के लिए दे दी थी। जितना मैं बहुत कम ही बनाई थी, एक कटोरी चावल से भी कम बनाई थी। उसके बाद जो दूध जब गर्म हो गया ना, उसके ऊपर ही जो हम खीर जो चावल में सिझा दी थी कुकर में, उसको वहाँ मिला दी, और कुछ देर तक उसको मैं मतलब बॉयल होने के लिए दे दी। तो उसके बाद में क्या करें ना, हम जो गुजराती दे दी हूँ, और जो गुजराती दी और गुड़ के, आज गुड़ की खीर बनाई थी। वैसे तो भोग लगाने में तो गुड़ का खीर ही बहुत ही अच्छा है, चीनी से गुड़ का खीर लगाने में बहुत शुभ मानना होता है, तो मैं गुड़ का खीर ही बनाई थी।
और ये देख लीजिए खीर कैसा है। बहुत बहुत जल्दी, मुझे आधा घंटे भी नहीं लगा बना दी थी, क्योंकि टाइम भी नहीं था ना मेरे पास। घर का काम ख़त्म करो, ख़त्म करने के बाद मुझे जाना होता, तो कहाँ जाना होता है आप लोग को पता है। तो ये देखिए, चलिए मैं भगवान जी को भोग लगा दूँगी। पहले तो भोग लगाई थी, भगवान जी को भोग लगा दूँगी। तो भोग लगा कर उसके बाद गर्मी था, थोड़ा ठंड हो जाएगा, तो गर्मी था नहीं गर्म था, थोड़ा ठंड हो जाएगा तो उसके बाद ही मैं भोग लगाऊंगी। और भोग लगा कर लगा लिया था, और उसके बाद इधर छोले बन रहा था हमारा, छोले को भी उसके बाद ही तुरंत बाद ही छोले को दे दी थी कुकर में, तो वो भी हो गया था। इधर चिल्ला भी बना रही थी आज, जो हमारा अच्छा बंधन के लिए ये सब बनाई थी। और कल तो माँ लड्डू बना रही थी, खीर चिल्ला और छोले। वाह, ऐसा इतना गर्मी इस टाइम बनाई थी ना, इतना गर्मी, बाबा कितना पसीना पसीना हो गई थी। और ये भाजी भी बनाई थी, मतलब 9 से 10 बजे तक सब ख़त्म कर दी। देखिए लड्डू, छोले, खीर और चिल्ला। अब ये आ जाइए हैप्पी रक्षाबंधन। उसके बाद दोपहर को मैं कपड़े को फोल्ड कर रही थी, उस टाइम बेटी भी आ गई थी, तो उसका तो क्या हालत हो गया, उसका तबीयत ही ख़राब हो गया। इधर उधर के खा लोगे और तबीयत तो ख़राब होगा, पेट तो ख़राब होगा। गुपचुप खा ली थी, मतलब पानी पूरी। इस जो बारिश के टाइम ना पानी पूरी वगैरह नहीं खाना चाहिए, उसकी वजह से ख़राब होता। आजकल बच्चे कहाँ मानते हैं, अभी बोल रहे हैं तो हाँ देखोगी ऐसे बोल रही थी। तो उसके साथ बात भी हो रही थी। आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाई, मतलब रात में ही खाना खाई। सर कपड़े भी फोल्ड हो गया, आप लोग के साथ ऐसे मैं वॉइस ओवर देते देते मेरे कपड़े भी फोल्ड हो गया। कपड़े भी पड़ा हुआ था, जो उस दिन मंदिर जो गए थे वो साड़ी वगैरह सब था, उसको फोल्ड करी। और जो पैंट्स हस्बैंड के थे उसको भी फोल्ड करके रख रही थी। गर्मी हो रहा था, उसकी वजह से कुछ करने का भी मन नहीं करता है। चलो भाई कर लेते हैं, फिर भी साड़ी को भी रख दी हूँ और पैंट वगैरह भी सब रख दी। और ये देखिए जो डेली वेयर वाला शर्ट कपड़े, उसको तो माँ धोकर सुखा दी थी। उसको मैं धूप, बहुत तेज़ धूप हो रहा था, बहुत, जैसे कि हमारा अप्रैल में उस टाइप का धूप हो रहा था। इस महीने में होता है कहते हैं, बहुत तेज़ धूप होता है। कपड़े को लाने के लिए गई, कपड़े भी ले आई। उसके बाद वो जो था हमारा एक पौधा था, लता टाइप का पौधा होता है, उसको क्या कहते हैं हमारा यहाँ, तो कहते हैं सेम। आप लोग भी सेम कहते हो, हम सिम्बो कहते हैं, आप लोग सेम कहते हो। साफ कर दी है और इधर से ही देखिए, नहीं तो नज़र लगा देते हैं जी। बागान साफ सुथरी, हाँ कुछ जगह साफ सुथरी हो गया, कुछ जगह नहीं हुई। तो इधर ना सेम का पौधा था, सेम का पौधा क्या हुआ ना, मतलब इधर जो उसको सही जगह पर नहीं कर देंगे तो लता कर नहीं जाएगा, इसीलिए थोड़ा कर रही थी इस जगह पर। तो छाव था जो हमारा आम पेड़ के नीचे है ना, इसीलिए छाव था, और मैं उसको सही कर रही थी। और इधर एक पुई था, पुई को भी इधर मैं दे रही थी। और एक आम पौधा था, उसको भी उखाड़ के फेंक रही थी। कितना रखोगे, उसके बाद गर्मी हो रहा था तो घर से नहीं निकले, 5:30 ये पानी दे रही थी। पानी नहीं दूंगी तो जो फूल गच्छ है ना, फूल गच्छ मर जाएगा, इसी की वजह से पानी भी दे रही थी। चाय वगैरह, इतना गर्मी है फिर भी चाय हम पी लेते थे।
चलिए अभी रखती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।